उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली वन परिक्षेत्र से लगे जंगल नदी वन नालों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रेत व्यवसायियों द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी होने के बावजूद स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा बरसात सीजन में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं सारे नियमों को ताक में रखकर नदियों व नालों से रेत परिवहन किया जा रहा है। पाली वन परिक्षेत्र के जंगली क्षेत्र व नदी नाले से बीते महीने से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। यहां अवैध रेत कारोबारी पहले रेत उत्खनन कर रेत एकत्रित करते हैं, फिर ट्रैक्टर के माध्यम से उसी परिवहन कर बेच देते हैं। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के बनोंदा अमहा गोयरा आदि गांव में प्रशासन द्वारा अब तक न तो रेत खदान स्वीकृत की गई है और न ही रेत संग्रहण का परमिशन है, उसके बावजूद नदी नाले के किनारे रेत से स्टॉक किए जा रहे हैं और बताया गया है कि इस अवैध रेत परिवहन को वैध बनाने के लिए यहां के रेत ठेकेदार कर्मचारियों से ट्रैक्टर संचालक परिवहन की एक टीपी कटा लेते हैं, उसके बाद उस टीपी के माध्यम से अन्य उत्खनन किए गए रेत का धड़ल्ले से बेरोक टोक परिवहन किया जाता है। इस संबंध में जब यहां के रेंजर रवि पांडे से बात की गई तो उन्होंने बिना कैमरे के सामने आए कहा कि जंगल से रेत उत्खनन व परिवहन नहीं किया जा रहा, यदि ऐसा है तो मैं खुद निरीक्षण करूंगा। और इन्होंने यह भी कहा है कि बीते दिनों हमने रेत के अवैध उत्खनन अवैध परिवहन करते ट्रैक्टरों को पकड़ा था, जिसमें कार्रवाई की गई थी। अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा है कि इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा है कि जब यहां रेत की खदान ही नहीं है तो उत्खनन कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी लेकर मैं कलेक्टर से बात कर कार्रवाई कराऊंगा। विदित हो कि अवैध उत्खनन व परिवहन मामले में कोई भी खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। तो अब ये उत्खनन कहां से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यहां पर राजस्व और भूमि की यहां पर देखा जाए तो उत्खनन हो रहा है और ये जंगलों में भी देखने में आता है। हाँ, हम काफी आस पास में जो गाँव जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर देखें तो जंगलों से ट्रैक्टर रेत लेकर निकलते हुए हैं, तो वहाँ पर क्या कोई स्वीकृत खदान है क्या, जबकि कोई स्वीकृत खदान नहीं है यहाँ पर अगर देखें तो रेत के उत्खनन। देखिए, इस समय पर यहाँ पर से लगातार अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी खदानें बंद हैं। फिर भी यहाँ पर अमहा गोयरा परसौरा बन्नौदा और घुनघुटी के जंगलों से लगातार रेत निकल रही है और शायद इनके रेत माफियाओं का जो भी साठ गांठ हो उससे कैसे टीपी प्राप्त करते हैं। टीपी देने वाला भी गलत है, क्योंकि जब रेत की खदान स्वीकृत ही नहीं है फिर भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और इसके कारण यहां पर राजस्व और वन अमले को का नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश शासन का भी नुकसान हो रहा है इस तरीके के अवैध उत्खनन से। देखिए, बिरसिंहपुर पाली में वन क्षेत्र हो या राजस्व क्षेत्र हो, यहाँ पूरे इलाके में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जंगलों से, नदियों से मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्रैक्टर चल रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन वन विभाग या राजस्व विभाग के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई स्थानों पर कलेक्टर महोदय द्वारा रेत खनन पर रोक लगाई गई है, इसके बावजूद भी ये काम बदस्तूर जारी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि नदियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ की सड़कें धंस गई हैं, वहाँ की नदियाँ अपना मार्ग बदल रही हैं, इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण है, इन्हें रोकने के लिए तत्काल अवैध उत्खनन पर रोक लगाई संज्ञान में आई है और हमारी सरकार कतई अवैध उत्खनन को बढ़ावा नहीं देती, न इसके पक्ष में रहती। हम लोग सदैव से यह चाहते हैं कि उत्खनन वैध हो और जो शासन द्वारा तय खदानें हैं वहीं से उत्खनन हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी कारणवश उत्खनन अवैध हो रहा है तो मैं संबंधित विभाग से बात करके इसकी जांच करवाने का प्रयास करूँगा। साथ ही अभी वर्तमान में NGT लगी हुई है, हमारी सरकार नदियों के और जल संरक्षण की बात करती है, इसलिए अभी तो उत्खनन का मामला ही नहीं आना चाहिए और कोई भी उत्खनन नहीं होना चाहिए अभी बरसात के दिनों में उत्खनन। लेकिन जहां खदानें हैं ही नहीं और वन भूमि से रेत निकाली जा रही है और राजस्व में बेची जा रही है तो ऐसा कोई मामला है, तो इन सब मामलों की मैं माननीय कलेक्टर साहब से बात करके उनको निरीक्षण
करने के लिए एक बार आग्रह करूंगा कि मौके पर आएं और देखें कि वस्तु स्थिति क्या है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसी पुरपाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।